मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे बिहार टूर पे। यू आर वेलकम टू बी विथ मी ऑन माय बिहार टूर एंड वी आर डूइंग सिवान टू मोतिहारी टुडे। बेसिकली ये कुछ 80 ऑड किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जो हम कवर करने वाले हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, इट्स सो डैम हॉट कि ये 80 किलोमीटर भी ना, कुछ 800 किलोमीटर लगने वाले हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। गर्मी से याद आया कि जब मैं दिल्ली से निकला तो इतनी गंदी वाली गर्मी नहीं थी। When I crossed Lucknow and I was entering Purvanchal Expressway, it was really raining, really bad, heavy rain. इतनी बारिश थी that I had to remove my camera and keep it in my bag and then continue the ride. जब मैं गाजीपुर पहुंचा हूँ तब जाके बारिश रुकी है। So I was riding for nearly 300 kilometers in the rain. कभी हल्की बारिश, कभी heavy rain. Sometimes it was drizzling. तो इस तरह से पूरा सफर जो है मैंने तय किया था दिल्ली से बक्सर तक का, आप कह सकते हो। Then Buxar to Patna was quite okay because I did it on the next day. और ये जो 80 किलोमीटर है ना, ये इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं ज़्यादा अभी तो 10-15-20 किलोमीटर आया हूँगा और मुझे ऑलरेडी ये अंदर से फीलिंग हो रही है डिहाइड्रेशन वाली, क्योंकि आफ्टर वेयरिंग दिस हैवी ड्यूटी एडवेंचर हेलमेट एंड ऑल राइडिंग गियर्स, यू काइंड ऑफ गेट बॉइल्ड इनसाइड, है ना। ऐसे अंदर से रोस्ट हो रहा होता है इंसान, चिकन रोस्ट बन रहा होता है, चिकन बारबेक्यू बन रहा होता है, हैं, पर क्या करें। यूट्यूब में वीडियोज भी डालने हैं, आप लोगों से बातें भी करनी है, हेलमेट के अंदर मैं नाच भी रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, पर वो मज़ा नहीं आ रहा। बस अब थोड़ा कुछ पानी वानी नाश्ता हो जाए, उसके बाद आगे की जो जर्नी है वो कंप्लीट करने में थोड़ी एनर्जी आएगी, सही है ना। बिहार में हर जगह लिट्टी चोखा मिले ये जरूरी नहीं है, लिट्टी और चना भी मिलता है जो मैं भी खाने वाला हूँ, और उसका भी अपना मजा है भाई। ये लिट्टी चोखा के लालच में ना मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, पर एक प्रॉपर लिट्टी चोखा मिल नहीं रहा है, तो लिट्टी और चना से काम चलाना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, चना घोड़ों को खिलाया जाता है, पर मैं घोड़ा हूँ नहीं, लेकिन एनर्जी ज़रूर आई है। मैंने कुछ 1.5-1.5 लीटर तो पानी ही पी लिया, पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। अब हो सकता है डिहाइड्रेशन सी फील ना हो, बट इतना ज़रूर है कि मोतिहारी पहुँचने तक मेरी एनर्जी बहुत बुरी वाली डाउन होने वाली, क्योंकि इट्स वेरी ड्रेनिंग, दिस 80 किलोमीटर्स आर वेरी ड्रेनिंग। और ये तो चलिए मान लिया कि गर्मी है, सब कुछ है, और मैं यहाँ एक आधा दिन के लिए आया हूँ, होटल कर लूँगा, एसी मिल जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो गरीब लोग हैं जो ज़िंदगी रोज़ काम करके गुजारते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। उनके पास तो प्रॉपर रहने की जगह भी नहीं होती बहुत लोगों के पास में ना, दे लिव इन द टेंट्स, जो मेकशिफ्ट टेंट्स में रहते हैं या छोटे घरों में रहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, हमें इतनी बुरी गर्मी लग रही है, हम पसीने से भीग जाते हैं और अंदर से डिहाइड्रेशन फील करते हैं, तो पानी पी लेते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, कभी नींबू पानी पी लेते हैं, बट ये गरीब क्या करते होंगे, है ना। तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भाई सबको इस गर्मी से बचाए, सबको, अमीर हो गरीब हो डजेंट मैटर, सबको बचाए। और ये हम कुछ मोतिहारी सिटी लिमिट्स में इंटर कर रहे हैं और यहाँ से झेलनी पड़ेगी ट्रैफिक, हो सकता है, क्योंकि मोतिहारी एक वेल टू डू सिटी है बिहार का। तो बिहार के कुछ जो चुनिंदा शहर है उसमें, जैसे इस तरफ में स्पेशली गंगा के इस पार जो मैंने आपको बताया ना, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, दीज आर वेल टू डू सिटीज। आप देख भी सकते हैं, इट लुक्स प्रीटी नीट एंड क्लीन, है ना। और इसके जो है अपने उसूल है, जैसे हर शहर के होते हैं, ठीक है ना। और मोतिहारी जो है हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, मैं थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ, और जैसे कि अक्टूबर है और गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को, एवरीबॉडी वाज
ऑन अ हॉलीडे ऑफ था, बड़ा लंबा सा वीकेंड मिल गया था लोगों को। तो उसी से रिलेटेड एक और ट्रिविया है दैट ड्यूरिंग सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, मोतिहारी में भी उसका असर हुआ था एंड महात्मा गांधी वॉज हियर ऑल्सो इन मोतिहारी ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द पीपल ऑफ मोतिहारी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, दिस होल रीजन इज वेरी मच कनेक्टेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आज की डेट में बिहार को लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इंडिया बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और उसमें से आप बिहार के हो विच इज कंसिडर्ड अ वेरी बैकवर्ड स्टेट, लेकिन अगर आप बिहार की हिस्ट्री देखोगे ना, यू विल नेवर फाइंड इट अ बैकवर्ड स्टेट। अब आप समझे, बिहार जो है वो एक अलग ही दुनिया है, और इस दुनिया में एक नया चीज़ आप देखिए, ये जो बाइक आगे जा रही है मेरे सामने, वो नहीं तो एक देश की राजदूत है, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी तू 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 वाला। ये पता नहीं कब की है और ये कब से ये बंदा चांस को यूज़ कर रहा है, उसकी हालात भी बिल्कुल ख़राब सी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो चला रहा है। दैट वॉज राजदूत, दैट वॉज द क्वालिटी ऑफ बाइक्स वी हैड इन 80s एंड 90s, आप समझ रहे हो। और अभी तो मैं आपको ट्रिविया बता रहा था बिहार के बारे में, और ये जो मॉडर्नाइजेशन बिहार का हो रहा है ना, इसमें बहुत तकलीफ हो रही भाई। आप देख रहे हो ट्रैफिक किस कदर गंदी हो रखी है, सड़कें टूटी हुई हैं, ब्रिज बन रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खैर, वहाँ से तो मैं निकल गया, अब मैं होटल तलाश कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन कुछ होटल सर्च करे थे, उसमें से एक दो जो रेलवे स्टेशन के सामने बता रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिस्की है, मेरी बाइक है वहाँ पे, पार्किंग हो ना हो, पार्किंग होने के बावजूद भी रिस्की है बिकॉज वो स्टेशन के बिल्कुल सामने है। इसीलिए मैंने एक होटल सिलेक्ट किया, होटल विजडम, उसको जाके देखता हूँ। वो स्टेशन से थोड़ी दूर है और मेरा काम तो है स्टेशन के आसपास ही, वहीं पर सारे बुक स्टोर्स वगैरह हैं, लेकिन आई स्टे लिटिल फार फ्रॉम द स्टेशन ताकि मेरी बाइक सेफ रह सके। अब मैं बस होटल पहुंचने वाला हूं, फिर वहां जाके आपको कमरा दिखाता हूं। ओके, ये रूम है एक, और दूसरा कौन सा है? ये अच्छा, इसको भी सफाई करना पड़ेगा, और वो रेडी है। तो गाइस ये है, ठीक है, चलेगा, मुश्किल नहीं है। ओके कूल, ओह फाइनली मैं होटल आ गया। ये आप देख सकते हैं, मैंने सामान बिखरना स्टार्ट कर दिया है, और अब बचा कुछ नहीं करने के लिए। आई मीन आज के दिन के लिए राइड खत्म हो गई, और मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगा, थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, देखूंगा क्या है। और ये मेरी चाय आ गई, मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गया। देखने से तो नहीं लग रहा कि नहा लिया, क्योंकि हालत ही ऐसी हो गई गर्मी में राइड करके, है नहीं। तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में मार्केट जाऊँगा, वहाँ का काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद वापस आके तैयारी करूँगा कल के लिए, क्योंकि कल मुझे नेक्स्ट सिटी जाना है, वहाँ पे काम करना है, फिर नेक्स्ट सिटी। तो जो है एक सुबह राइड, दिन में काम, रात में आराम, फिर नेक्स्ट डे सुबह राइड, इस तरह से सिलसिला चलेगा। और इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी, आप देखते रहें, सराहते रहें, और जैसा भी हो आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू राइड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और मेरे चैनल के साथ बने रहें। और जो भी आपको कहना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।